तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 मार्वल बेस्ट सुपर हीरोज जो कि डीसी से या तो कॉपी किए गए हैं डायरेक्ट और या उनसे इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आते हैं हमारे खुद के हल्क भैया। हल्क तो हमारे स्टैनली चचा ने 1962 में बनाया था, लेकिन एक मिनट रुको, इसी तरह का एक और करेक्टर डीसी के पास भी है ना, चलो देखते हैं। ओके, इसका नाम सोलोमन ग्रैंडी है। इसे डीसी ने 1944 अक्टूबर में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था। इसे हम काफ़ी सारी डीसी के एनिमेटेड सीरीज में देख चुके हैं। ये बैटमैन का एक विलन है। ये दोनों करेक्टर लगभग सेम ही हैं, लेकिन जो हल्क है हमारे वो ग्रीन कलर के और सोलोमन ग्रैंडी ग्रे कलर में आते हैं। वैसे एक राज की बात बताऊँ, हल्क को पहले ग्रे कलर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन क्रिटिसिज्म के चलते हुए मार्वल का इसका रंग चेंज करना पड़ा। हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो आते हैं हम सब के चहेते डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्वल ने जुलाई 1963 में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और जबकि डीसी ने डॉक्टर फेट को 1940 में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था। वैसे तो दोनों के सुपर पावर एग्जैक्ट सेम है, लेकिन डॉक्टर फेट मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल स्पेल्स को बहुत अच्छा यूज़ करना जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर डॉक्टर फेट की तरफ देखा जाए तो वो मैजिकल स्पेल्स को लिटरली क्रिएट करते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं और उसे यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट आती है एक फीमेल सुपर हीरो जिन्हें हम लेडी सिव के नाम से जानते हैं, और हम थॉर की फ्रेंचाइज में इनसे देख भी चुके हैं। ये डीसी की सुपर हीरोइन वंडर वुमन एके डायना प्रिंसेस से कॉपी की गई। लेडी सिव को मार्वल ने 1964 में इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि वंडर वुमन अक्टूबर 1941 में इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। बस फर्क इतना है, लेडी सिव वंडर वुमन की तरह कोई मेन करेक्टर नहीं है, थॉर की कॉमिक्स में साइड करेक्टर का रोल प्ले करती है, जबकि वंडर वुमन डीसी की वन ऑफ द लीड करेक्टर हैं। नेक्स्ट सुपर हीरो मार्वल की तरफ से आते हैं रेड एंड वाइट विजन, जिसे डीसी के रेड टोर्नेडो से कॉपी स्लैश इंस्पायर होकर बनाया गया है। विजन को मार्वल ने अगस्त 1968 में इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि डीसी ने रेड टोर्नेडो को कई साल पहले 1960 में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। इनके काफ़ी सारी पावर सिमिलर है, जैसे कि ये दोनों रोबोट्स हैं, AI हैं, इसके अलावा ये इंसानों की तरह बोल सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और इस लिस्ट के फाइनल मार्वल सुपर हीरो हम सब के चहेते पसंदीदा फनी डेडपूल। जी हाँ, ये भी मार्वल की कॉपी की लिस्ट में आते हैं, और ये करेक्टर को इंस्पिरेशन नहीं बल्कि डायरेक्ट कॉपी किया गया है। मार्वल इसे खुद भी एक्सेप्ट करते लेंगे, जहाँ मैं टॉप 5 डीसी सुपर हीरोज गिनाऊंगा आपको जो कि डायरेक्ट मार्वल से कॉपी किए गए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।